सकल निनाद करती हुई सरयू प्रवाहित हो रही है। वहां रघुवंश का शासन और रघुवंश का कीर्ति ध्वज गगन को चूमता हुआ पवन के जकोरों में लहरा रहा। वहां के राजा हैं वर्तमान महाराज दशरथ, और दशरथ भी साक्षात वेद हैं। वेद में तीन कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, और शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। दशरथ जी साक्षात वेद और इनको जी उनकी जो तीन रानियां हैं, ये तीन कांड है, कौशल्या ज्ञान कांड, सुमित्रा उपासना कांड और कैकेयी कर्म कांड। ये तीनों कांड मिलकर के ये महावेद है महाराज अवधेश। और वेद तत्व नृप तप सुतचारी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों वेद के चार तत्व हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह चार तत्व। बड़ी प्यारी अयोध्या नगरी, वहां महाराज दशरथ का शासन, तीन रानियां, कौशल्यादि रानी प्रिय सब वाचरण पुनी। यहां एक बात रामायण कहती है, एक पत्नी का धर्म होता है अपने पवित्र आचरण से पति को प्रेम करे, और पुरुष का पति का धर्म यह होता है अपनी पत्नी को खूब प्रेम दे। जिसने अपना घरवार छोड़ दिया, सब त्याग कर आपके ही परिवार को अपना परिवार मान लिया, आपके सगे संबंधियों को अपना सगा संबंधी मान लिया, ऐसी कोमल हृदया का प्रेम से स्वागत होना चाहिए। लेकिन हां, एक एक उम्र तक, मेरे कहने का गलत अर्थ न लेना, एक उम्र तक एक पुत्र वधू घर में आ जाए तो वानप्रस्थ शुरू हो जाता है। वहां तक, मैं बहुत छोटा था तब हरियाणा में कथा करने गया, लगभग 15 साल की आयु थी। वहां हरियाणा के एक जाट दादा बूढ़े थे, तो कमरे में घुस गए मेरे। अब उस वक्त कोई दरवाजे पर था भी नहीं, कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती थी, सीधे कमरे के अंदर आ गए और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। मैं बच्चा था, थोड़ा डर भी लगा कि ये दादा क्या कर रहा है। मैंने पूछा, दादा क्या क्या हुआ? बोले, बापू आपसे एक प्रश्न पूछना है। मैंने कहा, ये क्या तरीका है दरवाजा अंदर से बंद करके? बोले, प्रश्न ही ऐसा, दरवाजा भी बंद करके कहा कि आपके कान में पूछना है। मुझे लगा ऐसा क्या पूछने आए हैं दादा, तो मैंने कहा कि ठीक है पूछो। तो कान में मेरे पूछा कि बापू, शादी के 40 साल हो गए, घरवाली से मेरी बनती नहीं है। मैंने कहा, ये पूछने के लिए आपने दरवाजा बंद किया था? हमने कहा, ओ दादा, स्मशान में लकड़ियां अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, अब भगवान से बनाने की सोचो, घरवाली से बनाने की नहीं। अरे एक उम्र तक भाई हद होती है, एक उम्र के बाद नहीं। एक पुत्र वधू आ जाए तो फिर वानप्रस्थ शुरू हो जाता है। लेकिन पति का धर्म है एक मर्यादित उम्र तक पत्नी को प्रेम दे, और पत्नी अपने पवित्र आचरण से अपने पति को प्रसन्न करे। महाराज के भीतर ये सारे संस्कार हैं, प्रजा भी आज्ञा पालक है, और धन का तो क्या वर्णन करूं, दशरथ धन सुनि धनद लजाई, कुबेर भी शर्मा जाए, कोई कमी नहीं महाराज के जीवन में। लेकिन वही सारी कमी ही पूर्ण हो जाए तो मानव जीवन क्या, हाँ,
कोई ना कोई कमी रह जाती है। एक बार भूपति मनमाही भई गलानी मोरे सुतना। महाराज को भीतर बड़ी ग्लानी हुई। असल में ऐसी कथा है कि एक दिन वशिष्ठ जी का एक बेटा सभा में रोने लगा और बार बार चुप करा रहे थे वशिष्ठ जी, लेकिन चुप न हो रहा था। तो दशरथ जी ने पूछा कि बाबा जी ये रो क्यों रहा है? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन सच बता दूं, ये मुझे पूछ रहा है कि पिताजी आप तो दशरथ के गुरु हो गए, बड़ा होकर मैं किसका गुरु बनूंगा, क्योंकि दशरथ को कोई संतान नहीं। ये बात महाराज के दिल पर चोट कर गई, पूरी रात नींद नहीं आई। लेकिन राजा दुखी हो तो किसको कहे भाई, प्रजा तो राजा को कह देती, लेकिन राजा ही कभी दुखी हो जाए? हाँ, अभी हमारे दिनेश जी कह रहे थे ना कि नेता लोग सबका सुनना चाहिए। हाँ, लेकिन भाई नेता की भी तो कोई सुने, जनता परेशान होती है तो नेता के पास जाती, पर बेचारा नेता परेशान हो तो कहां जाए। मानस ने एक स्थान बताया है जहां राजनेता भी अपने दिल की फरियाद कर सकता है। गुरु गृह गए तुरत मही पाला, गुरु गृह तुरत मही पाला। एक गुरु का द्वार ऐसा है जहां बड़े बड़े राजनेता भी, राजा भी अपने दिल की फरियाद करने का स्थान रखता है। गुरु गृह गए तुरत मही पाला, गुरु गृह तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, गुरु के द्वार पर आए और आते ही महाराज रो पड़े, गुरुदेव क्या मेरे घर में संतान न होगी, क्या मेरा भवन सुना रह जाएगा किसी बच्चे की किलकारी के बिना, क्या मेरी रानी कौशल्या का गोद सुना रह जाएगा, क्या मेरे बाद रघुवंश पूरा होने वाला है, क्या इस गद्दी का वारिस कोई नहीं होगा। चौथापन आ गया महाराज, मेरे भवन की दीवारों को देखता हूं तो ऐसा लगता है वो दीवारें मुझे पूछती हैं कि राजन वो दिन कब आएगा जब मुझे छूकर कोई बालक चलना सीखेगा। और ये कहते कहते महाराज अवधेश रोने लगे। तब गुरु ने, वशिष्ठ जी ने पीठ पर हाथ रखा, राजन क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, एक नहीं राजन चार पुत्र पाओगे और वो भी त्रिभुवन विदित भगत बिहारी, त्रिभुवन में जिसके नाम की जय जयकार होगी। राजन चाहत मुनि संता कमला कंता बल दर संता बल, ऐसा महान पुत्र पाओगे राजन ब्रह्मांड में जिसके नाम की जय जयकार होगी, बड़े बड़े महात्मा लोग जिसका नाम लेकर भवसागर पार हो जाएंगे। चाहत मुनि संता कमला कंता बल दर संता बल बल, क्षत्रिय व्रत धारण धर्म सुधारण वंश उदारण भवतार, कैकेयी के कारण राज निवारण असुर वितारण मद मारण, भव सिंधु तारण जन यत कारण भारत तारण भगवंता, भव सिंधु तारण जन यत कारण भार उतारण भगवंता, भूकार उतारण भगवंता भूकार। चाहत मुनि संता कमला कंता बल दर संता बलवंता, क्षत्रिय व्रत धारण धर्म सुधारण वंश उदारण भवतार, कैकेयी के कारण राज निवारण असुर निदारण मदमा, भव सिंधु तारण जन यदि कारण भार उतारण भगवंता, भार उतारण भगवंता। त्रिभुवन विदित भगत बिहारी,
हे राजन, त्रिभुवन में जिसके नाम की जय जयकार होगी ऐसा महान पुत्र होगा। लेकिन ये यज्ञ मैं नहीं करा पाऊंगा, हिरणी के गर्भ से एक ऋषि का जन्म हुआ है, विभांडक ऋषि के पुत्र हैं, नाम है श्रृंगी। इस यज्ञ के पुरोधा वो ऋषि, लेकिन आप यज्ञ की तैयारी करो। और यहां महाराज दशरथ जी ने यज्ञ की पूरी तैयारी कर ली, तब गुरुदेव ने सारी जिम्मेदारी खुद ले ली। देखो, शिष्य का काम है गुरु के द्वार पर जाकर फरियाद कर लेना, बस उसके बाद गुरु जाने। तेरे दर पर आना मेरा काम है, तेरे दर पर आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तो मालिक अब तेरा काम है। तेरे दर पर आना मेरा काम, अब सारा काम गुरुदेव खुद कर रहे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। यज्ञ आरंभ हुआ, इदम अग्ने नमम कहते हुए आहुतियां शुरू हुई, और आहुति देते 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 अंतिम आहुति इतने भाव से दिया, यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य हो गया और जय जयकार से पूरी अयोध्या नगरी गुंजायमान। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। प्रसाद का चरु लेकर प्रकट हुए यज्ञ नारायण भगवान, और वह प्रसाद का चरु महाराज वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को दिया, दशरथ जी ने तीनों रानियों का आवाज लगाया, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना उभय भाग वादे कर लीना। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना आधा कौशल्या माँ को, आधा जो बचा उसको दो भाग किया, एक कैकेयी माँ को, फिर जो एक भाग बचा है उसका भी दो भाग किया। कौशल्या और कैकेयी के हाथ में देकर कहा कि तुम दोनों मिलकर सुमित्रा को दो। सुमित्रा माता को दो जगह से प्रसाद मिले ना, इसलिए सुमित्रा माता के गर्भ में दो बालक आए। और बाबा तुलसी कहते हैं, समय अनुसार जब माताओं ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, कुछ समय के पश्चात भगवान अपने अंशों के समेत माताओं के गर्भ में आ गए। और जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, धरती रंग बदलने लगी, श्रृंगार सजने लगी, बाबा तुलसी कहते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। कलियां मुस्कुराने लगी, पर्वतों से मणियों की खान निकलने लगी, गौशालाओं में गायें नृत्य करने लगी, फूलों पर भमरे गुंजायमान होने लगे। और अचानक पर्वतों से मणियों की खान निकल रही है, शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी, और सरजू मैया का तो मैं क्या वर्णन करूं, सरजू भरने लगी उछालें। आज सागर स्वयं नदी तट आया, बूंद में मेघ सिमट कर आया, मानो गागर में सागर भर आया। आज स्थिति ये हो गई कि मानो वो करुणा का सागर, आनंद का सागर, स्वयं परमात्मा हमारे द्वार पर आ रहा है। अचानक सरजू में बाढ़ आ गई। किसी ने सरजू को पूछा, ये चैत्र का महीना, तेरे भीतर अचानक बाढ़ कहां? सरजू ने कहा, ये बाढ़ नहीं, ये तो मेरी खुशी। हम नदियों को अक्सर चलकर समंदर के पास जाना पड़ता है, लेकिन आज तो कमाल हो गया, आज सागर स्वयं नदी तट आया, आज वो समंदर ही मेरे द्वार पर आ रहा है, मैं इसलिए खुशी में झूमी जा रही हूं।
किसी ने फूलों को पूछा कि तुम इतनी खुश क्यों? फूलों ने कहा, मैंने सुना है जो राम जी अयोध्या में आने वाले हैं ना, वो हमारे जनकपुर आएंगे, और जनकपुर में मैंने सुना है कि वहां बगीचे में जाकर अपने हाथों से पुष्प चुनने वाले हैं। हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि परमात्मा का हाथ हम सबके छूने वाला है, हम इसलिए इतने खुश हो रहे हैं। किसी ने पवन देवता को पूछा कि आपके अंदर अचानक ये खुशबू क्यों? पवन देवता ने कहा कि आपको पता नहीं, जो अयोध्या में आने वाले हैं ना, उनकी उनकी सेवा में मेरा बेटा हनुमान जाने वाला है, हम इसलिए इतने खुश हो रहे हैं। किसी ने पर्वतों को पूछा कि आप इतने खुश क्यों? अचानक आपके भीतर से मणियों की खान निकलने लगी। पर्वतों ने कहा, हम इसलिए इतने खुश हो रहे हैं, मैंने सुना है कि जो सरकार अयोध्या में आ रहे हैं वो समंदर पर पुल बनाएंगे और उसमें बड़े बड़े पर्वतों को डालने वाले हैं। हमने जब से हमारी बेटी को विदा किया, पर्वत की बेटी है नदी, पर्वतों ने कहा कि हमने जब से अपनी बेटियों को विदा किया और हमारी बेटियां सागर में जाकर मिल गईं, तब से कभी लौट कर आई नहीं। इसी बहाने जब राम जी बड़े बड़े पर्वतों को पुल बनाने के लिए समंदर में डालेंगे, इसी बहाने हम लोग खुश हो रहे हैं कि चलो अपनी बेटी से समंदर में मुलाकात हो जाएगी, हम इसलिए इतने खुश हो रहे हैं। और इंतजार करते करते चैत्र का महीना आ गया और अब तो बाबा तुलसी की कलम भी नाचने लगी। मेरे प्रीतम बहारें आ रही हैं, अब तो आ जाओ। आओ हम लोग भी प्रेम से परमात्मा को पुकारे, हमारे आपके बीच में भी जल्दी से भगवान आ जाए ना। मेरे प्रीतम बहारें आ रही हैं, अब तो आ जाओ। सब गाओ, सबको गाना है हम, और रोते हुए नहीं गाना है, हमें सुनाई पड़े ऐसे गाना। मेरे प्रीतम बहारें आ रही हैं, अब तो आ जाओ। सब गाओ, जब तक सभी नहीं गाओगे ना, तब तक मैं यही गाता रहूंगा। हो गया फिर तो जन्म। मेरे प्रीतम बहारें आ रही हैं, अब तो आ जाओ। सब गाओ, जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी शव यात्रा निकलती है, तो पता है सब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सब बोलते हैं ना, केवल उस भीड़ में एक आदमी होता है जो नहीं बोलता, बाकी सब बोलते हैं, केवल एक आदमी, कौन? जो कंधे पर होता है। हाँ, यहां भी जितने आदमी हैं सब बोल रहे हैं, जो चुप है समझ जाओ वो कहां है। मेरे प्रीतम बहारे आ रही हैं, अब तो आ जाओ। सब गाओ, मेरे घटाएं आसमान।
आ रही हैं। अब तो आ जाओ घटाए तारम विस्तार नाल ही समारम प्यार अपारम नंद कुमारम निरचारी पहरा दे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी जी गोकुल आओ गिरधारी गोकुल आओ गिरधारी। तब रवक रवक दादुर रव रव कत डह कत मोर मलार गिरा तब प्यू प्यू शब्द पुकारत तातक कुह कुह को तिल कंठ गिरा सारा विश्व परमात्मा को पुकारने लगा। सारे पक्षी मोर चकोर कोयल पपीहा ये सारे पक्षी परमात्मा को पुकारने लगे। मोर बोल रहा है कोयल बोल रही है पपीहे बोल रहे तब रवक रवक दादुर रव रव कत डह कत मोर मलार गिरा तब रवक रवक दादुर रव रव कत डह कत मोर मलार गिरा तब प्यू प्यू शब्द पुकारत तातक कुह कुह को कंठ गिरा तब गडर गडर नभ होत गड़ाका आकाश में बादल गर्जना करते हुए मालिक को पुकार रहे हैं तब गडर गडर नभ हो गड़ाका गिरवर पर से शिखर गड़े तम रूम झुम रूम झुम बर सत बर का गरर गर घन घोर गर दे गरर गरर घन घोर बहारे आ रही है अब तो आ जाओ मेरे तुम बहारे आ रही है। और इंतजार करते करते प्रथमा तिथि आई चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि नौमी को आए हैं ना प्रभु प्रथमा आ गई। प्रथमा ने कहा कि मालिक आप भी प्रथम हैं और मैं भी प्रथम हूं हम दोनों की जोड़ी ठीक रहेगी मालिक हमारी तिथि में आ जाओ। भगवान ने कहा लाइन बहुत लंबी है जरा सबको पूछ लूं तो द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी सब ने आकर अपनी अपनी महिमा बताई। कहते हैं नौमी आकर के बिचारी कुछ बोली नहीं रो रही थी। भगवान ने पूछा क्या हुआ। नौमी ने कहा प्रभु मेरी तिथि में कोई अभी तक शुभ नहीं हुआ मैं रिक्त हूं
भगवान ने कहा जो रिक्त है मैं उसे ही तो पूर्ण करने आ रहा हूं, तेरी तिथि में आऊंगा मैं। हिंद में प्रतिवर्ष आती है नौमी राम की, हिंद में प्रतिवर्ष आती है नौमी राम की, राम का सुमिरन करा जाती है नौमी राम की। हिंद में प्रतिवर्ष आती है नौमी राम की। ये नौमी न होती तो भारत के लोग राम जी को कहां याद कर सकते थे। ये नौमी की बहुत बड़ी देन है साहब, हर वर्ष नौमी आकर भारतवासियों को जगाकर चली जाती है कि याद रखना नौमी। इसी तिथि को परमात्मा का अवतरण हुआ था। और जब नौमी तिथि आई ना तो मुझे लगता है बाबा तुलसी की कलम ने भी यहां भी नृत्य किया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष विजित हरि पीता, शुक्ल पक्ष विजित हरि, शुक्ल पक्ष विजित हरि पीता, शुक्ल मध्य दिवस शीत न धामा, मध्य दिवस अति शीत न धामा, मध्य दिवस अति शीत न धामा, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद हर्षित सूर संतन मनता, हर्षित सूर संतन, योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नौमी तिथि मंगलवार, और आज कौन सा दिन है? हाँ, आज ही के दिन मंगलवार को, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नौमी तिथि मंगलवार, अभिजीत मुहूर्त, और सुबह जब सूर्योदय हुआ नौमी तिथि का, मां कौशल्या को कुछ हलचल हो रही है, रह रह के हृदय आनंद से भरा जा रहा है, मां कौशल्या को शकुन हो रहे हैं, और वहां महाराज दशरथ के भी दाहिने अंग रह रह करके फड़क रहे हैं। ये सब शुभ है। और आज न जाने कहां से बड़े बड़े महात्माओं का झुंड अयोध्या में आ गया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग जो हिमालय के गुफाओं में रहते थे सब निकल निकल कर अयोध्या कूच करने लगे। और आज सुबह से ही देवता लोग अयोध्या की परिक्रमा में लगे थे। लेकिन देवताओं को लगा कि शायद हम स्वार्थी हैं ना, जब तक हम लोग रहेंगे प्रभु आएंगे नहीं, इसलिए देवता लोग अयोध्या को प्रणाम करके वहां से विदा हुए। और बाबा तुलसी की कलम ने घोषणा कर दी, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, तो जग निवास प्रभु प्रगट हूं अखिल लोक विश्राम, सियावर रामचंद्र की अयोध्या राम लला की, बोलो भाई सब संतन की। दोपहर का समय मध्य दिवस और माता कौशल्या के भवन में अचानक प्रकाश,
माँ कौशल्या ने देखा ये क्या हो रहा है, और तब उस प्रकाश पुंज में चतुर्भुज नाथ का प्रागट्य हो गया। बोलिए चतुर्भुज नाथ भगवान की। अभी राम लला नहीं आया, अभी तो चार भुजा वाले आए। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रामलला कब आएंगे, नौ तो बज गया। राम जी का नियम है, जब भी भगवान आते हैं ना, पता नहीं क्यों 12 बजे ही आते हैं। क्या नहीं आए तो दोपहर 12, राम रात को 12 बजे, राम जी दोपहर 12 बजे। तो भाई हम तो दोनों को मानते हैं ना। अभी तो 9 ही बजा है। हाँ 12 बजाऊं? नहीं नहीं घबराओ नहीं, 12 नहीं बजाऊंगा। ये जो पूड़ी वाले थे ना, ये पुड़िया बिचारी आज रो रही होंगी, कहाँ गए हमारे प्रेमी लोग। चतुर्भुज रूप में परमात्मा का प्रागट्य हुआ। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। आओ चतुर्भुज नाथ का हम लोग भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति बाबा तुलसी ने गाई है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित का गाओ। प्रगट कृपाला सब गाइए कौशल्या हित का। हर्षित महतारी तनु घनश्यामा निज आयुध बुद्ध चारी लोचन अभिरामा भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करार। भय प्रगट पुनी बोली सोमति डोली तजौ तात यह रूपा। माधव पुनी बोली सोमति डोली तजौ तात यह रूपा। जय शिशुलीला अति प्रियशील परम मनु मैं प्रगट कृपाला राम राम सीता राम।
गाते हुए हरि बोल। समाचार महाराज अवधेश को मिला, महाराज ने पूरी अयोध्या नगरी को बधाई दिया, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलना है बधाई हो, ऐसे बधाई बोलना है। ये बधाई अयोध्या तक सुनाई पड़े, एक बार शब्दम लगाकर बधाई हो, बधाई हो, हरि बोल, जय हो। बाजे रे जय हो, बाजे बाजे रे।
रंग महल की मौज है। एक बार दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए बधाई हो। सरकार की अयोध्या धाम की सरजू मैया की। इस प्रकार भगवान रामलला का प्रागट्य हुआ। राम जन्म के उपलक्ष्य में आप सभी भवनियापुर वासियों को, आसपास क्षेत्र वासियों को, सभी को मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।